नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सासाराम में घूमने वाली जगहों के बारे में। अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं तो आप बिहार के सासाराम जिले में अपने आप को प्रकृति के काफ़ी करीब होने का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। यह जिला प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बिहार के सभी पर्यटन स्थलों में सासाराम अलग ही महत्व रखता है। अगर आप छुट्टियों में घूमने के शौकीन हैं तो आप सासाराम जरूर जाएं। यहाँ पर आपको किले, मकबरे के साथ साथ बिहार का अतीत देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर मंदिर और झरनों को भी देख सकते हैं। यह पर्यावरण और प्रकृति के दृष्टिकोण से काफ़ी रोचक जिला है। तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग सासाराम की ओर सैर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेर शाह सूरी का मकबरा देखेंगे और जानेंगे। अगर आप सासाराम में घूमने आए हैं तो आपको सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा जरूर जाना चाहिए। सासाराम में यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि इस मकबरे का निर्माण 1545 ईस्वी में हुआ था। बता दें कि इस मकबरे का निर्माण बिहार के पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनाया गया था। आपको यह भी बता दें कि शेर शाह सूरी ने मुगल साम्राज्य को हराया था। यह मकबरा 52 एकड़ में फैला हुआ है। साथ ही साथ इस मकबरे के चारों तरफ पानी है। सड़क मार्ग से आप यहाँ बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से आप रावजा रोड के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप पटना, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सासाराम आसानी से पहुँच सकते हैं। अगला है रोहतासगढ़ का किला। अगर आप सासाराम में प्रकृति का आनंद उठाने के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में भी जानते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस कड़ी में आप रोहतासगढ़ का किला जरूर जाएं। इस किले के साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हुए हैं। इस किले के बारे में बताया गया है कि इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासवर ने करवाया था, जिस पर आगे चलकर आदिवासी राजाओं की हुकूमत चली और बाद में इसे सौर का प्रतीक मानते थे। बाद के समय में इस किले पर शेर शाह सूरी का आधिपत्य हुआ। यही किला 28 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस किले में कुल 83 दरवाजे हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज इतिहास बताते हैं कि अकबर के समय में राजा मान सिंह ने इसी किले से बिहार और बंगाल पर अपना हुकूमत चलाया था। कहा तो यह भी जाता है कि मुगल शासक शाहजहाँ अपनी बेगम के साथ यहाँ आया करते थे। शेरगढ़ का किला। सासाराम में इतिहास के पन्नों को टटलते हुए आप एक और किले की दीदार कर सकते हैं। इसमें शेरगढ़ का किला है। यह किला अपनी सुंदर बनावट के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले जैसी बनावट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। यह किला तीन ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। किले के एक तरफ जहाँ दुर्गावती नदी है, इस किले में बने सुरंग और तहखाने इसके रहस्य को और भी बढ़ा देते हैं। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। कहते हैं इसकी बनावट ऐसी है कि शत्रुओं को दूर से ही पहचान लिया जा सकता है। अगला है धुआं कुंड। सासाराम के इतिहास में रूबरू होने के बाद अब समय आ गया है कि आप जो है इसके प्रकृति के पास चल सकें। तो ऐसे में आपको सबसे पहले धुआं कुंड के बारे में बताते हैं। धुआं कुंड जलप्रपात के बारे में यह बताया जाता है कि घुमक्कड़ों के लिए यह एक बसेरा है। अगर आप सच में प्रकृति के प्रेमी हैं तो आप यहाँ जरूर आइए। यहाँ पर वाटरफॉल आपको प्रकृति के काफ़ी करीब होने का एहसास दिलाएगा। इस जलप्रपात में आप विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की कैमूर पहाड़ियों का दीदार कर सकते हैं। धुआं जलप्रपात में 130 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिसके बाद यहाँ धुआं जैसा नज़ारा बनता है। बरसात के मौसम में तो यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। छुट्टियों में मिले समय में आप प्रकृति के करीब आने का आपको मौका यहाँ मिल सकता है। इसके बाद है मंझर कुंड। प्रकृति की इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में मंझर कुंड का दीदार कर सकते हैं। विंध्याचल रेंज में कैमूर पहाड़ियों में 3.25 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित मंझर कुंड राज्य के रमणीय स्थानों में अपनी एक अलग ही महत्व रखता है। यह पहाड़ियों के काव और कुदरा नदी के संयुक्त पानी से एक धार निकलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से यह मंझर कुंड में पहुँचता है और पानी के नीचे जमीन आता है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति की अलग ही एक छटा विस्तृत होती है और आंखों से देखने पर यह मनोरम दृश्य प्रतीत होता है। यह स्थान हिंदू और सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तुतला भवानी वाटरफॉल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तुतला भवानी मंदिर है। यहाँ भी एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में स्नान करने का अलग ही आनंद है। कहा जाता है कि यहाँ जब आप माँ तुतला भवानी का दर्शन करने आएंगे तो आप जलप्रपात में जरूर स्नान करें। जब आप तिलैथू जाने लगेंगे तो उसके पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाने पर आसानी से आप तुतला भवानी वाटरफॉल जा सकते हैं। खासकर नवरात्र में माँ भक्तों की यहाँ लंबी लाइन लगती है। पर्यटक यहाँ पहुँचने के बाद अपने आप को रोमांचित महसूस करते हैं। इसके बाद है इंद्रपुरी बराज।
जिसे हम सोन बराज के नाम से भी जानते हैं। इंद्रपुरी बराज जिसे हम सोन बराज के भी नाम से जानते हैं, यह बराज दुनिया में चौथा सबसे लंबा बराज है। इस बराज की कुल लंबाई 4616 फीट है। इस बराज पर सड़क भी है। इस बराज का निर्माण SCC के द्वारा कराया गया था, जिसने दुनिया में सबसे लंबी 2253 मीटर लंबी फरक्का बराज का निर्माण कराया था। बता दें कि इस बराज का निर्माण 1960 ईस्वी में किया गया था, इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। बताते चलें कि इस बराज में मछली पालन किया जाता है, छुट्टियों में लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। गुप्तेश्वर धाम मंदिर, जिसे कि हम गुप्ता धाम मंदिर भी कहते हैं, बिहार में गिने चुने मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का इस मंदिर का जिक्र जरूर होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की महिमा आदिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि पर्वतों के बीच चलने के बाद जब आप बाबा के पास जल का अर्पण करते हैं तो आपकी सारों मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है। इस गुफा के पीछे एक कहानी बताई जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि जब भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति मिली थी तो उसी वरदान का परीक्षण करने के लिए भस्मासुर ने शंकर भगवान का अपेक्षा किया, जिसके बाद बाबा उस गुफा में जाकर छिप गए। कहते हैं गुफा में स्थित इस शिवलिंग पर बिहार के बाहर से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ सावन के महीने में लंबी लंबी भीड़ लगती है। माँ तारा चंडी, सासाराम में कैमूर पहाड़ियों की प्राकृतिक गुफा में माँ तारा चंडी विराजमान है। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस मंदिर के पास पहाड़, झरने व अन्य जल स्रोत हैं। इस पीठ के बारे में यह भी बताया जाता है कि इस सती के तीन नेत्रों में से श्री विष्णु के चक्र से खंडित होकर दाया नेत्र यहीं पर गिरा था, जिसके बाद से तारा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हालांकि मंदिर की प्राचीनता के बारे में यह भी बताया जाता है कि महर्षि विश्वामित्र में बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। बता दें कि इस धाम पर साल भर में 3 बार मेला लगता है। कैमूर की पहाड़ियाँ, बिहार में अगर आप प्रकृति का सही मायने में आनंद उठाना चाहते हैं तो आप प्रकृति की पहाड़ियों में जाकर अपने आप को प्रकृति के पास होने का एहसास कर सकते हैं। कैमूर की पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। घने जंगलों और हरियाली से भरी हुई पहाड़ियाँ अपनी प्रकृति का अद्भुत नज़ारे के लिए जानी जाती है। आप यहाँ पर कई जलप्रपात को देख सकते हैं। अगर आप अपने कार्य से रिलैक्स लेना चाहते हैं या फिर हम इसे कहें कि आप अपने काम से बोर हो गए हैं तो आप एक बार कैमूर की पहाड़ियां जरूर आएं, आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास होगा। ऐसे में अगर आप बिहार में ही देश के अन्य राज्यों की तरह प्रकृति खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो आप कैमूर की पहाड़ियों में पहुंचे, अपने आप को आप रिलैक्स महसूस करेंगे, तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि हम प्रकृति के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।